गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज हम पढ़ेंगे आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम किन चीज़ों से डील करेंगे। हीट एंड टेम्परेचर, थर्मोमीटर्स, ट्रांसफर ऑफ हीट, टेम्परेचर स्केल्स एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम मेनली डील करेंगे हीट एंड टेम्परेचर से। हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर की स्केल्स क्या क्या होती हैं, एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे हीट के इफेक्ट्स क्या क्या हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, We feel hot in summers and everything around us looks and feels hot. But in winters, we feel cold and everything around us looks and feels cool. We can identify a thing as hot or cold by touching it. But is the identification by this method of touch always correct? तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको पैराग्राफ में बोला है कि हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो समर्स में तो हमको गर्म दिखाई देती है, महसूस भी होती है, जबकि वो तो जो विंटर्स हैं हमारी, उसके अंदर हमें सारी चीज़ें जो हमारे आसपास है वो हमें ठंडी दिखाई और महसूस होती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको। लेकिन हम लोग ये सब कैसे पहचान सकते हैं, उन चीज़ों को टच करके। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारे लिए हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम लोग हर चीज़ों को टच करें और बताएं कि ये चीज़ ठंडी है या गर्म है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप फटाफट से आ जाइए हीट एंड टेम्परेचर की हेडिंग पे। सो वॉट इज़ हीट? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ वॉर्म्थ और कोल्डनेस इन अस। फॉर एग्जाम्पल, वन वी स्टैंड नियर द फायर और टच अ पॉट कैप्ट ऑन द गैस स्टोव, वी फील अ सेंसेशन ऑफ हॉटनेस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको पहले हीट की डेफिनेशन बताई गई है कि हीट क्या होती है। हीट एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म है जो हमें गर्म या फिर ठंडी चीज़ों का महसूस करवाती है। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल आपको दिया है कि अगर गैस स्टोव पे आपके पास एक पॉट रखा हुआ है एंड अगर आप उसे टच करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि वो गर्म है, एंड हमें सेंसेशन होगी किस चीज़ की, हॉटनेस की। ओके, सिमिलरली व्हेन वी टच एन आइस क्यूब वी फील कोल्डनेस बिकॉज एन ऑब्जेक्ट हॉट व्हेन आवर हैंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट एंड कोल्ड व्हेन हीट पासेस फ्रॉम आवर हैंड टू द ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे हाथों से हीट निकल रही होती है, ओके, तो हमें ठंडा लगता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे समर्स में क्या होता है, हमारे बॉडी में से पसीना निकलता है, एंड जब पसीना निकलता है तो क्या होता है, हमें ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है। ओके, तो उस तरीके से आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। दस हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनादर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। हीट इज़ मेजर्ड इन कैलोरीज और जूल्स। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए क्या होता है, जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र होती है किस चीज़ से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ओके, और हीट जो है बच्चों वो हम किस में मेजर करते हैं, कैलोरीज या फिर जूल्स के अंदर। तो बच्चों, हम जैसे अगर लेंथ को देखते हैं तो लेंथ हम मीटर में मेजर करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ओके, उसी तरीके से स्टूडेंट्स, जो हमारी हीट होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं, कैलोरीज या फिर जूल्स में। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, सिंस अ मोर एक्यूरेट मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड वॉज नीडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर वॉज डिवेलप्ड। तो स्टूडेंट्स, हमें प्रॉपर एकदम एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन चाहिए थी कोल्ड एंड हॉट ऑब्जेक्ट्स की, तो हमने क्या किया, टेम्परेचर को डिफाइन किया। ओके, तो टेम्परेचर क्या होता है, देखिए, टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टच टेल्स अस वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कोल्ड, वार्म और हॉट, बट द टेम्परेचर टेल्स अस हाउ मच ऑब्जेक्ट इज कोल्ड, वार्म और हॉट। अ हाई टेम्परेचर शोज दैट एन ऑब्जेक्ट इज हॉट एंड लो टेम्परेचर शोज दैट एन ऑब्जेक्ट इज कोल्ड। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हमें प्रॉपर एंड एक्यूरेट मेथड चाहिए था किस चीज़ के लिए, ऑब्जेक्ट्स को पता लगाने के लिए कि ऑब्जेक्ट कोल्ड है या हॉट है। ओके, तो हमने क्या किया, टेम्परेचर को डिफाइन किया, टेम्परेचर नंबर बताता है हमें, एग्जैक्ट चीज़ बताता है कि जो हमारी बॉडी है वो हॉट है या फिर कोल्ड है। ओके, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या कोल्ड है। तो बच्चों, यहाँ पे दो मेन चीज़ें होती हैं, अगर हमारा नंबर हाई होता है तो हम बताते हैं कि ये जो टेम्परेचर है वो हॉट है, एंड जब हमारा जो इसके अंदर रीडिंग्स आती है, टेम्परेचर जब हम डिफाइन करते हैं, जब इसमें रीडिंग्स अगर लो आती है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो टेम्परेचर है वो कोल्ड है। ओके स्टूडेंट्स, और जो टेम्परेचर होता है वो हम मेनली दो डिग्री में मेजर करते हैं, फर्स्ट होती है डिग्री सेल्सियस एंड सेकेंड होती है डिग्री फारेनहाइट। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, चलिए हम समझते हैं इसको, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे आपको हीट एंड टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस बता रखा है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी,
तो बच्चों हीट क्या होता है, एक एनर्जी की फॉर्म है, एंड टेम्परेचर क्या है, डिग्री है उस हॉटनेस एंड कोल्डनेस की, यानी कि यह हमें बताता है कि कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है वो कितना हॉट एंड कितना कोल्ड है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हीट कॉजेज अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर इज द इफेक्ट ऑफ हीट। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जो हीट होती है वो बॉडी के अंदर चेंज करती है टेम्परेचर की वजह से, जबकि टेम्परेचर क्या होता है, हीट का ही एक इफेक्ट है। ओके, इफेक्ट ऑफ हीट क्या है, टेम्परेचर। हीट इज मेजर्ड इन कैलोरीज और जूल्स, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो स्टूडेंट्स जो टेम्परेचर होता है उसको हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर, जबकि जो हीट है उसको हम मेजर करते हैं कैलोरीज या फिर जूल्स के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखिए अब हम देखते हैं हमारी टेम्परेचर स्केल्स क्या होती है। देर आर 3 स्केल्स ऑन विच द टेम्परेचर इज मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड, दीज आर सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, नेम्ड आफ्टर द इन्वेंटर्स। ईच ऑफ दीज स्केल्स कैन बी यूज टू क्लासीफाई एन ऑब्जेक्ट एज कोल्ड और हॉट। जनरली द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज टेकन एज द लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑन द स्केल एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एज द अपर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द स्केल। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपकी मेनली 3 टाइप की क्या होती है, टेम्परेचर स्केल्स होती हैं, फर्स्ट सेल्सियस, सेकेंड फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी किन के ऊपर नेम्ड है, ये इनके इन्वेंटर्स के ऊपर नेम्ड है, जो इनके इन्वेंटर्स का सरनेम था वो इन्हीं के ऊपर बेस था, तो उन्होंने इसी हिसाब से इनका नाम दिया। ओके, अब बच्चों क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का, ओके, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ओके, तो स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आइस का, 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसे हम लोग बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ओके, एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, दैट इज टेकन एज द अपर फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, जब हमारा वाटर जो होता है वो पूरा बॉइल हो जाए। ओके, एंड जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो क्या होता है, जब हमारी आइस पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट। तो वो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम समझते हैं हमारी फर्स्ट स्केल को, जो कि सेल्सियस स्केल। द सेल्सियस स्केल वॉज डिवेलप्ड बाय एंडर्स सेल्सियस, अ स्वेडिश फिजिस्ट इन 1742। तो स्टूडेंट्स आपको ये लर्न करना है कि सेल्सियस स्केल किसने डिवेलप की थी और कहाँ डेवलप की थी। ओके, On the scale, the difference between the lower fixed point and upper fixed point is divided into 100 equal parts. The lower fixed point is taken as a 0 degree Celsius, the temperature at which the water freezes into ice. तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे वाला टेम्परेचर है यानी कि 0 degree Celsius, जहाँ आइस पूरी तरीके से मेल्ट हो जाती है, ओके स्टूडेंट्स सॉरी फ्रीज हो जाती हैं, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आइस पूरी वाटर पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइस। क्लियर है, एंड द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज 100 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स। तो स्टूडेंट्स अपर पॉइंट हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, जो ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे पानी पूरा बॉइल हो जाता है। द टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड बाय एडिंग डिग्री सेल्सियस रीड एज डिग्री सेल्सियस to indicate that the temperature has been recorded on Celsius scale. तो students, Celsius scale ऐसी scale होती है जहाँ हमारा नीचे का temperature कितना होता है, 0 degree Celsius, upper temperature होता है हमारा 100 degree Celsius. Okay students, clear है आपको? Next देखिए Fahrenheit scale. The Fahrenheit scale was developed by D.G. Fahrenheit, a German physicist, in 1724. On the scale, the difference between lower fixed point, upper fixed point is divided into 180 equal parts. तो students, यहाँ क्या होता है, total 180 parts में divided होती है scale. Okay? जैसे हमारी जो regular scale होती है 15 centimeter की होती है, लेकिन यहाँ जो Fahrenheit scale है वो 180 equal parts में divided होती है, यानी कि इसमें 180 numbers होंगे. Okay? And जबकि जो आपकी Celsius scale है वो 100 equal parts में divided होती है. Clear है? अब देखिए स्टूडेंट्स, द टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड बाय एडिंग डिग्री एफ, रीड एज डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, डिग्री फ़ारेनहाइट, टू इंडिकेट दैट द टेम्परेचर हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। इन दिस स्केल द लोअर फिक्स पॉइंट इज टेकन एज 32 डिग्री एफ एंड अपर फिक्स पॉइंट इज टेकन एज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट।
द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज डिवाइड इन टू 180 इक्वल पार्ट्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ मेजरिंग जो मेजरिंग है वो कितनी होती है, जो नीचे की है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो ऑफ एक्स पॉइंट, एंड कितना लेते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. एंड अपर जो पॉइंट है हमारा उसको हम लोग कितना लेते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. क्लियर है. एंड इसमें टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, 180 इक्वल पार्ट्स. नेक्स्ट देखिए केल्विन स्केल. द केल्विन स्केल वॉज डिवेलप्ड बाई लॉर्ड विलियम थॉम्सन केल्विन एंड आयरिश फिजिसिस्ट in 1848. On this scale, the difference between the lower fixed point and upper fixed point is divided into 100 equal parts. बच्चों इसमें अगेन 100 equal parts होते हैं. Lower fixed point हम लोग क्या लेते हैं, 273 Kelvin. Upper fixed point हम लोग लेते हैं 373 Kelvin. Okay, and temperature को हम लोग कैसे read out करेंगे, Kelvin. To indicate the temperature has been recorded in Kelvin scale. क्लियर है स्टूडेंट्स. आपकी थ्री स्केल्स, फर्स्ट थी हमारी सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. सेल्सियस में हमने लिया था लो फिक्स पॉइंट क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस. अपर फिक्स पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस. अगेन फ़ारेनहाइट स्केल में क्या था, 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड थी. ओके, लोअर फिक्स पॉइंट 32 एंड अपर फिक्स पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. केल्विन स्केल लोअर फिक्स पॉइंट कितना था, 273 केल्विन. अपर फिक्स पॉइंट 373 केल्विन. आपको ये लर्न करना है स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट देखिए केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ द मेजरिंग टेम्परेचर बट सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर मोर कॉमनली यूज स्केल्स टू एक्सप्रेस टेम्परेचर. बच्चों जो केल्विन है वो क्या है, एसआई यूनिट है टेम्परेचर की, यानी कि मोस्टली जो एक्सेप्टेड हमारी जो यूनिट होती है टेम्परेचर की वो क्या है, केल्विन. लेकिन हम जब मेजर करते हैं टेम्परेचर को तो हम सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट को ही यूज़ में लेते हैं. Table 4.2 shows the upper and lower fixed point as well as the temperature of normal human body on different scales. तो students देखिए जो हमारी body का temperature है वो कितना होता है, and जो हमारा melting point and boiling point है तीनों scales पे वो आपको यहाँ दे रखा है. तो बच्चों आपको ये table अपनी copy के अंदर draw करनी है and इसको अच्छे से learn करना है. Okay students, जबकि आपकी basic knowledge है जो आपके आगे higher studies में बहुत काम आएगी. देखिए ऑब्जेक्ट ऑन सेल्सियस स्केल, ऑन फ़ारेनहाइट स्केल एंड ऑन केल्विन स्केल. तो देखिए बच्चों लोअर फिक्स पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस सेल्सियस स्केल पे कितना, 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, फ़ारेनहाइट स्केल पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन स्केल पे 273 केल्विन. स्टूडेंट्स आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेल्सियस स्केल पे जो लोअर पॉइंट है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन स्केल पे 273 केल्विन. ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स अपर फिक्स पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 373 केल्विन. अब बच्चों ये जो तीनों स्केल्स होती है हमारी, ओके, इसके अंदर हमारी नॉर्मल बॉडी यानी कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है. देखिए सेल्सियस स्केल पे 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन स्केल 309 केल्विन. क्लियर स्टूडेंट्स, ये टेबल आपको लर्न करनी है अच्छे से एंड अपनी कॉपी में ड्रॉ करनी है. ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर. बच्चों जो हमारी अलग अलग स्केल्स है टेम्परेचर की, सेल्सियस केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, उनमें क्या क्या रिलेशन होते हैं. देखिए दो द टेम्परेचर शोन बाय द डिफरेंट स्केल्स एंड इज डिफरेंट हियर, दे कैन बी कन्वर्टेड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ईच अदर. If the temperature of an object is measured in degree Celsius, it can be converted into degree Fahrenheit and vice versa. For converting temperature expressed on a different scale, following equations can be used. फिर बच्चों हम माइनस का साइन लगा के लिखते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट. ओके, यानी कि स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, सी माइनस जीरो अपॉन 100. ओके बच्चों, सी हमने सेल्सियस स्केल लेनी है. ओके, सो हमने सी लिखा है माइनस जीरो. क्यों बच्चों, क्योंकि लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, जीरो. ओके, सेल्सियस स्केल के अंदर लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना होता है, जीरो. अपॉन हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ डिविजन्स जो कि है 100.
इक्वल्स टू, अब अगर हमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में रिलेशन निकालना है तो हम लिखेंगे F की स्केल वाली रीडिंग्स, ओके। जैसे F माइनस 32, लॉ ऑफ x टू पॉइंट 32 होता है, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने होते हैं 180, ओके। एंड स्टूडेंट्स अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9 into डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, एंड बच्चों ये तो डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में आएगा, ओके। एंड अगर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट का बताना है, हमें अगर डिग्री सेल्सियस दे रखा क्वेश्चन में, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो हम कैसे इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, कैसे, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे यहाँ जो आपकी लास्ट वाली लाइन है, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9 एफ डिग्री एफ माइनस 32 एंड डिग्री एफ इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये आपको अच्छे से याद करनी, यहाँ आपको ये टू फॉर्मूलाज दे रखे हैं, आपको ये अपनी नोटबुक में ये डेरिवेशन लिखना है, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको। अब देखिए, एट द टेम्परेचर ऑफ माइनस 40 डिग्री सेल्सियस बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स शो द सेम रीडिंग, दिस मीन्स दैट माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि स्टूडेंट्स जब माइनस 40 डिग्री सेल्सियस या फिर माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो दोनों जो स्केल्स हैं हमारी सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, इसके अंदर इसकी रीडिंग्स सेम आएगी, ओके। बच्चों देखिए अब यहाँ पे एक और डायग्राम है जो आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ आपको दे रखा है सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल, इसमें लो ऑफ एक्स पॉइंट कितना है 0, अप ऑफ एक्स पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल में देखिए 32 एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273 डिग्री केल्विन एंड 373 डिग्री केल्विन। बच्चों डिविजन्स देखिए, सेल्सियस स्केल में है 100 डिविजन्स, फ़ारेनहाइट स्केल में 180 डिविजन्स एंड केल्विन स्केल में आपके हैं अगेन 100 डिविजन्स, ओके। तो ये आपको ऐसे कैसे आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है, फिगर 4.2 कंपैरिजन ऑफ 3 टेम्परेचर स्केल्स, ओके स्टूडेंट्स। इसके ऊपर जो डेरिवेशन है आपका, ये भी आपको लिखना है, आप कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, देखिए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ये हेडिंग लगाएंगे, यहाँ से लेके आप इस डायग्राम तक पूरा ड्रॉ करेंगे, ओके। यह है आपका होमवर्क। अब देखिए स्टूडेंट्स थर्मोमीटर्स, अब बच्चों ये जो थर्मोमीटर्स टॉपिक है ये हम कवर करेंगे हमारी अगली क्लास में, ओके स्टूडेंट्स। जब तक मैंने जो यहाँ तक आपको पढ़ाया है फिगर 4.2 तक पेज नंबर 42, यह आपको अच्छे से देखना है कि हमने क्या क्या पढ़ा है, टेम्परेचर स्केल्स कितनी होती है, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको। फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो ये है आज का आपका होमवर्क, डन।